हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर टेरा क्लासिक के बारे में। टेरा क्लासिक की तरफ से यहाँ पर काफी सारी अपडेट एंड काफी अच्छी अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिली है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इन वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस ना करें। आज हमने देखा है कि मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पर रंग दिखाया, लेकिन अभी अगर हम देखें तो 1 आवर में 1.1% यहाँ पर डिक्रीज हुआ है प्राइस। तो ऐसे में यहाँ पर इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम ने आज काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज किया है, एंड लास्ट 7 डेज के अंदर 28% का यहाँ पर एक बिग रिटर्न हमें देके चल रहा है इथेरियम कॉइन। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर लूना सी के बारे में। तो लूना सी की तरफ से जो यहाँ पर एक बड़ी न्यूज यहाँ पर हमें देखने को मिली है वो आई है यहाँ पर बर्निंग को लेकर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज लूना सी के यहाँ पर काफी ज्यादा कॉइन बर्न हुए हैं, करीब करीब 6 मिलियन टोकन्स यहाँ पर लूना सी के बर्न हुए हैं। चाहो तो आप लोग इस इमेज के अंदर देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर इमेज में काफी ज्यादा कॉइन की बर्निंग देखने को मिली है। प्लस इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो लूना सी की तरफ से एक और जो अपडेट्स निकल के आ रही है वो यहाँ पर NFT ऑक्शन के लिए आ रही है, जो कि आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पर NFT ऑक्शन के लिए यहाँ पर लूना सी ने यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट किया था वो भी यहाँ पर चीज़ें कॉइन इन कर रहा है, और कॉइन इन उसमें से 50% जो भी कॉइन इनको रेवेन्यू होगा वो यहाँ पर इससे लूना सी को बर्न करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट है। प्लस यहाँ पर 22 जुलाई की जो बर्निंग है वो ये रही, आज 6 घंटे पहले यहाँ पर बर्निंग हुई है। आप लोग देख सकते हो 114,000 कॉइन टोकन की यहाँ पर इनकी बर्निंग हुई है। प्लस अभी अगर लूना सी का प्राइस हम देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो लूना सी का प्राइस है वो यहाँ पर इस जोन के अंदर है, एंड बहुत जल्द हमें ये प्राइस यहाँ देखेगा, उसके बाद शायद हम यहाँ पर इस प्राइस को जाता हुआ देख सकते हैं। तो अभी के टाइम पे हमें यही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी इससे पहले भी हमने देखा है कि लूना सी के अंदर यहाँ पर हमने और भी चीज़ें देखी थी वापस से। सो आई होप कि यही कुछ अपडेट थी लूना सी की तरफ से। बाकी आज लवली नोकॉइन ने काफ़ी अच्छा पंप लिया है, एंड लूना सी की तरफ से और कोई अपडेट आती है टेरा क्लासिक की तरफ से मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश्वास।